तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सालों? होपफुली सालों ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं द मास्टरफुल कैट इज डिप्रेस्ड अगेन टुडे के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे सीधा इसकी वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो साकु होती है वो आराम से सो रही होती है। उसको लग रहा होता है आज छुट्टी है, लेकिन आज दिन हो चुका होता है जहाँ पे इसको अपने चीफ के साथ उस एक्वेरियम में विजिट करना होता है। उसको लगता है लास्ट संडे ऑफ द मंथ को आने वाला है, लेकिन वो आज का ही दिन होता है और वो रिलैक्स होकर सो जाती है। युकी जी जो होती है वो हार मान के वहाँ बैठ जाती है, और साकु जो होती है उसको सपने में सारी चीजें याद आने लगती हैं। वो अचानक से उठ के बैठती है और कैरी होती है वही है आज का दिन, और वो रोने लगती है और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो एकदम से आके बैठ जाती है, युकी जी जो होती है उसके लिए खाना बना लेती है, वो खाती वाती है और कैरी होती है 2 बजे तक मुझे जाना है तो उसकी चिंता वाली बात नहीं। उसके बाद वो अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है कौन से कपड़े आज पहन के जाए, और उसके पास कोई ऐसे कपड़े नहीं होते हैं जो वो आज के दिन पहन के जा सकती है। उसने बहुत लंबे टाइम से अपनी कोई कैजुअल क्लोथ शॉपिंग की नहीं होती है, तो उसके पास ज्यादा पड़े नहीं होते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते उसको एक कपड़े मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसको लेके वो थोड़ा बहुत नास्तिक होती है, लेकिन वो जो ड्रेस होती है उसको फिट नहीं होती है, और वो फिर युकी जी के सामने बैठ कर रोने लगती है। और युकी जी जो होती है वो उस ड्रेस को लेती है, बीच में से फाड़ देती है, उसकी सिलाई करना शुरू कर देती है, और फाइनली वो जो सिल्क होता है वो तैयार होता है और ये अब पहनती है इसको। जो साकु होती है वो बिल्कुल तैयार होती है, युकी जी उसके लिए लंच प्रिपेयर कर देती है। साकु जो होती है वो कहती है भाई इस तरह ट्रीट मत कर कि मैं किसी डेट पे जा रही हूँ, और वो बाहर निकल जाती है। फिर वो वापस आती है, कह रही होती है कि जो खाना है इसको पैक करके रख देना, मैं आके जरूर खाऊंगी। उसके बाद देखने को मिलता है वहाँ पे ये पहुंचती है तो जो चीफ होता है उसके साथ एक बच्ची होती है वो आई होती है। इसको लगता है ये बच्ची उसकी बेटी है, लेकिन वो जो बच्ची होती है वो उसकी भांजी होती है। उसका नाम होता है मे, और जो चीफ के पेरेंट्स होते हैं वो उसका ख्याल रखते हैं, और आज वो लोग बाहर गए होते हैं तो चीफ की ड्यूटी होती है कि वो ख्याल रखे, और वो चाहती है एक्वेरियम पे विजिट करना तो मे के साथ उसकी, और ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है बच्चियों का ख्याल रखने में, तो इसलिए वो मे को अपने साथ लेके आया होता है। उसके बाद देखने को मिलता है ये जो बच्ची होती है वो मैं के रिवन की तारीफ करती है, ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे होते हैं। चीफ जो होते हैं वो टिकट लेके आ जाता है और बात छिड़ जाती है वहाँ पे बिल्लियों की, और वो जो बच्ची होती है उसका ध्यान जाता है एक बड़ी सी बिल्ली के ऊपर, क्योंकि सेम बिल्ली का लुक बता रही होती है साकू अपने आप ही, और वो होती है युकी जी। युकी जी जो होती है वो भी यहाँ पे पहुंच जाती है। जो चीफ होता है वो फोन करने के लिए चला जाता है, और जो साकू होती है वो सीधे आ जाती है युकी जी के पास, पूछ रही होती है अगर तू यहाँ क्या कर रही है, और वो जो बच्ची होती है वो युकी जी के ऊपर लटकी होती है और उसके ऊपर खेल रही होती है। जो बच्ची होती है काफी ज्यादा खुश होती है युकी जी के साथ रह के, और वो कहती है ये जो बिल्ली है ये मेरी दोस्त है। और वहाँ देखने को मिलता है फिर जो शो होता है वो शुरू हो जाता है, बच्चे जो होते हैं उधर अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये जो बच्ची होती है ये युकी के साथ खेल रही होती है। युकी जी और मे दोनों एक साथ एक्वेरियम को देख रहे होते हैं। चीफ जो होता है उतने में वापस आ जाता है, और युकी जी जो होती है वो गायब हो जाती है, और वो अपना सर एक बाउल के अंदर डाल के बैठा रहता है। मे जो होती है बिल्ली के बारे में बार बार पूछ रही होती है साकु से, लेकिन साकु जो होती है वो कहती है मेरा कोई आइडिया नहीं है वो कहां गई आखिर, और मे जो होती है वो याद करने लगती है। और जो चीफ होता है वो साकु से पूछ रहा होता है आखिर उसको इस ग्रुप के बारे में कोई आइडिया है क्या, तो साकु जो होती है वो बोल रही होती है कि यूट्यूब के ऊपर उसने वीडियोस देखी थी और वहीं से जो भी इसकी जानकारी मिली है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। युकी जी जो होती है वो डाई हार्ट फैन होती है इस वाले शो की। उसके बाद जो होता है वो शो होता है वो शुरू होता है, देखने को मिलता है चीफ जो होता है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, साथ ही साथ मे भी इंटरेस्टेड होती है, और साकु का ध्यान जाता है युकी चीफ के ऊपर आखिर वो है कहाँ। उतने में जो लोग होते हैं वो खुसर खुसर कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग वहाँ पे बड़ी सी खड़ी हुई है, लोग फोटो लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग जो होते हैं फोटो लेने को मना कर देते हैं, और युकी जी जो ऊपर खड़ी होती है वो चेयर करने के लिए आई होती है। साकु जो होती है उसको घर जाने के लिए कह रही होती है, और युकी जी उसको थम्स अप का साइन दिखाती है, और वो अपनी तैयारी कर चुकी होती है। और देखने को मिलता है जो शो होता है पूरी तरह से तैयार होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, साकु जो होती है काफी ज्यादा नर्वस होती है, और जो क्विज टाइम होता है वो शुरू हो जाता है, जो भी चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और देखने को मिलता है जो चीफ होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है, चीफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके सारे आंसर वो बिल्कुल सही सही देता है, और वो भी एक गिफ्ट वाउचर जीत जाता है। उसको मिलता है एक छोटा सा गिफ्ट जो कि वो मे को दे देता है। उसके बाद ये लोग वापस बाहर निकल जाते हैं, और जो साकु होती है चीफ से कह रही होती है तू बच्चों के साथ बिल्कुल भी खराब नहीं है, जिस तरह से तूने सारे प्रिपरेशन किया था मे के साथ आने के लिए वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, और तूने सारी चीजें याद करी, जो भी चीजें इसको पसंद है वो भी बहुत बढ़िया है, और ये काफी है किसी का भी, ये काफी है किसी बच्चे का ख्याल रखने के लिए। जब मैं होती है वो अगेन गायब हो जाती है, और देखने को मिलता है उसके हाथ में वो बैग होता है जो कि युकी जी ने दिया होता है, और वो खाना होता है, और इसके बाद ये लोग बैठ के सारे लोग खाने लगते हैं साथ में, और मे जो होती है वो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम अगेन वो युकी जी के साथ खेलना चाहेगी, और उसके बाद ये लोग वापस घर के ओर निकल लेते हैं। जो मे होती है वो भी घर पे आई होती है और कह रही होती है जो सैंडविच है वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, युकी जी को
आवाज दे ही रही होती है। यूकीजी जो होती है कहीं से बाहर आ नहीं रही होती है और अंदर देखने को मिलता है वो जमीन के ऊपर पड़ी होती है। साकू को लगता है यूकीजी मर चुकी है, उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूकीजी जो होती है थक हार के आज सो चुकी होती है। वो उसके ऊपर कंबल डालती है और ये कह रही होती है कि यूकीजी को सोते हुए इसने बहुत लंबे वक्त बाद देखा है और ये काफी ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद ये आराम से सो जाती है। सुबह यूकीजी उठ के देखती है तो कोक की बोतल जो होती है वो ऐसे ही खुली होती है, चिप्स जो होते हैं ऐसे खुले पड़े होते हैं, जिसको देख के यूकीजी को बहुत गुस्सा आता है और वो साकू को पीट देती है। और साकू जो होती है माफी मांग रही होती है, जो उसके लिए गिफ्ट होता है वो लेके आई होती है। उसके बाद वो उसे मना लेती है और यूकीजी के सामने अगेन वही वाला शो चालू हो जाता है टीवी पे, जिसको देख के ये नर्वस हो रही होती है। जो साकू होती है अपना ब्रश कर रही होती है और यूकीजी उसको देख के डांस करना शुरू कर चुकी होती है और डांस कर ही रही होती है, लेकिन साकू जो होती है उसकी वीडियो बनाती है और वो काफी ज्यादा फनी होता है और साकू की हंसी रुक नहीं रही होती है। यूकीजी उसको दौड़ाने लगती है और चाहती है वो डिलीट करे, लेकिन वो डिलीट करने वाली होती नहीं है, मजे लेती है और थक जाती है। उधर देखने को मिलता है जो स्टोर मैनेजर होता है वो चाहता है कि वो जो बिल्ली है वो काम करे इनके यहाँ आके, क्योंकि जब भी वो स्टोर के अंदर आती है तो जो इनकी सेल्स है वो बढ़ जाती है। ये बाहर एक पैम्पलेट भी चिपका देते हैं, अगर कोई भी बिल्ली इंटरेस्टेड हो यहाँ काम करने के लिए वो यहाँ आ सकती है। और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकू से उसकी दोस्तें बात कर रही होती है और कह रही होती है तेरी जो बिल्ली है वो एक्सरसाइज करती है कि नहीं, अगर नहीं करती है तो वो काफी मोटी हो जाएगी और बीमारियां हो सकती हैं उसे, इसीलिए उसके लिए एक्सरसाइज प्लान करना और सारी चीजें। साकू जो होती है वो सोच रही होती है वही वो दिन रात काम करती है, बाहर आ जा सकती है और वो काफी मेहनत करती है तो वो काफी एक्टिव है, कोई चिंता की बात है नहीं। फिर साकू जो होती है वापस घर आ जाती है, उसके कंधे में दर्द होता है और जो यूकीजी होती है उसके कंधे का मसाज करने लगती है और उसको बॉडी मसाज बढ़िया सा देती है। साकू जो होती है वो सोचती है बर्तन धोने के लिए, देखने को मिलता है जो ग्लव्स होते हैं काफी बड़े होते हैं और वो यूकीजी से पूछ रही होती है आखिर ये कहाँ से आया, मेरे हिसाब से बिल्लियों के लिए कहीं ग्लव्स तो मिलते नहीं होंगे। और पता चलता है यूकीजी जो होती है वो अपने हाथ से इसको बनाया होता है काट वाट के, जो कि खुद में ही काफी ज्यादा अमेजिंग होता है, जिसको देख के भी साकू शॉक में रहती है और ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था और मजेदार था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।